हेलो दोस्तों, आप सभी को राम राम सीताराम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग मस्त और स्वस्थ होंगे। तो आपने डे वन के एपिसोड में देखा होगा कि मैंने खेत को किस तरीके से तैयार करना है, वो सारी वीडियो के जरिए मैंने आपको जानकारी दी है डे वन के एपिसोड में। ठीक है दोस्तों, और उम्मीद करता हूँ कि डे वन का जो आपको एपिसोड है वो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। ठीक है, पर लोगों ने देखा कम है, रिस्पॉन्स कम दिया है। कोई बात नहीं, हमारा काम है आप लोग तक जानकारी भेजना, बाकी आपकी मर्जी देखना है या नहीं देखना है। ठीक है, तो आज डे टू जो है, डे टू के एपिसोड में आप सभी को मैं अभी आप लोगों ने खेत की जुताई करने से, खाद डालने से लेके खेत का, तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मैंने बताया था कि किस तरीके से आपको खेत की तैयारी करके रखना। इतना सब कुछ आपका होने के बाद, मतलब सफेद मूंगफली का जो लगाने का समय है उससे 1.5 से 2, मतलब 1 से 1.5 महीने पहले ये सब खेत में करना होता है, जुताई करनी होती है, गोबर की खाद डालनी होती है इतना, और इसके बाद 1-1.5 महीने के लिए छोड़ देना होता है उसको जुताई करके हल्की। इतना आपने फर्स्ट डे के एपिसोड में देखा, मैंने बताया आप लोगों को। आगे के सेकेंड डे टू में आपको करना क्या है, अब इतना होने के बाद आपको अब आती है बारी बेड्स बनाने की। अब इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बेड्स किस तरीके से बनाना है, बेड्स बनाने का समय जो है सही क्या है और क्या तरीका है, आज डे टू की वीडियो में वही सब मैं आप सबको बताने वाला हूँ। वीडियो पूरी जरूर देखें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। पिछली वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं है, पर इस वीडियो को जरूर लाइक करें क्योंकि हमारा मन करता है कि फिर आगे आपको वीडियो बनाएं। अगर आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया होता, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने देखा होता, तो मैं डे टू का जो वीडियो है जल्द से जल्द बनाने की कोशिश करता। इसीलिए मैंने लेट बनाया, फिर मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर बोला कुछ लोग जो देखते हैं वो उन लोगों के लिए क्यों ना फिर हम बनाए। ठीक है दोस्तों, चलिए डे टू में बता दें कि बेड्स बनाने का जो सही तरीका है क्या है और किस तरीके से आपको बना। अब जब समय लगाने का, जो जून का महीना स्टार्ट होने के 10 से 12 दिन पहले, समझो कि जून का महीना स्टार्ट होने वाला है, उससे पहले 10 दिन पहले आपको खेत में, जो खेत आपने जुताई करके छोड़ के रखा था मूसली लगाने के लिए, उस खेत में आपको अच्छे से पानी देना है, अच्छे से पानी देना है। अच्छे से पानी देने के बाद कम से कम उसमें पानी में देने में लापरवाही नहीं करना, बहुत अच्छे से खेत को पानी पी जाने देना है। ठीक है, इसके बाद पानी देने के बाद समझो उसको 4 से 5 दिन 6 दिन लग जाएगा उसको नॉर्मल बता आने के लिए। पहला पानी दिया है 10 दिन पहले, तो 4-5 दिन बाद वो पहला जो पानी है वो सूखना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसको सूखने से पहले ही फिर से आपको दोबारा एक पानी और दे देना है अच्छे से। अब सोचिए 10 दिन, मतलब 4 दिन पहले गीला था खेत और अब फिर वापस पानी देने से 4 दिन और 5 दिन गीला रहेगा, तो आपको क्या होगा इससे, 1 हफ्ता जब हो जाएगा गीला रहते हुए आपका खेत, तो उसमें जो खरपतवार है वो निकलना स्टार्ट हो जाएगा। 1 हफ्ते तक उस गीला रहने से क्या आता है कि जो खरपतवार है वो हमारा निकलना शुरू हो जाता है, और कोशिश ये करना है कि आपको जितने से जितना ज़्यादा खरपतवार निकल रहा है बाहर उतना अच्छा है। जब खरपतवार आपका बाहर निकल आता है और समझो आपका खेत जुताई के लायक अच्छा हो गया, मतलब भुरभुरी मिट्टी लायक जुताई होगी, बतर आ गया है, तब आपको जुताई करनी है उस खेत की, जुताई कर देनी है। जुताई करने के बाद अच्छे से जुताई कर देनी है और इसके बाद फिर उसको 2 से 3 दिन के लिए छोड़ देना है, ऐसे पड़ा हुआ छोड़ देना है। के बाद जब आप उसको 2 से 3 दिन के लिए जुताई करके छोड़ देंगे, तो जो आपको जो पानी देने से जो खरपतवार आ गया था खेत में, जो खरपतवार हो गया था वो सूख जाएगा, जुताई होने के बाद वो सूख जाएगा। तो इससे होगा ये कि जब आप मूंगफली लगाएंगे तो आपका जो बुराई के टाइम पे पहली बार बहुत आधा खरपतवार आपका कम हो जाएगा, आधा खरपतवार। समझ दोस्तों, जो ये विधि मैं बता रहा हूँ ना बेड्स तैयार करने की, ये विधि पूरे YouTube पे आपको कोई नहीं बताएगा। ठीक है, आप लोग बोलते खरपतवार बहुत ज़्यादा होता है, इसमें दवा भी नहीं पड़ती खत खरपतवार की, फिर इतना सारा हम लेबर से कैसे निकलवाएंगे। तो यही हमारा खेत तैयार करने का, बेड्स तैयार करने का तरीका होता है, जिसकी वजह से मैं 30 से 40% खरपतवार पहले ही कम कर लेता हूँ। अब जब आप ऐसा करेंगे तो गुड़ाई के टाइम पे आपको खरपतवार ऑलरेडी कम होगा। ठीक है, आगे अब आपको करना ये है कि जब समझो 2 से 3 दिन में आपकी खरपतवार, जो खेत में जुताई की थी खरपतवार सूख जाए पूरे से, ज़्यादा खेत को सूखने नहीं देना है, नमी थोड़ी रहनी चाहिए। इसके बाद फिर आपको क्या करना है, जो आपको बेड्स बनाना है जिससे भी आप बनवाना चाहते हैं, आलू का जो पतला
छोटी क्यारी वाला या फिर हमारे यहाँ 1.5 फीट चौड़ा वाला बेड्स बनता है, 1 फीट चौड़ा बेड्स बनता है, तो हम लोग उसको बेड्स बनवा के छोड़ देते हैं, बेड्स बना के छोड़ देते हैं और उसमें फिर जानवर नहीं जाना चाहिए अंदर, ठीक है। बेड्स तैयार रहते, फिर क्या होता है कि जून का महीना जब स्टार्ट होता है तो कभी कभी हो सकता है बारिश भी आ जाती है, हालांकि आता ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर आ गई तो अगर आपके बेड्स तैयार रहेंगे ना तो कोई तकलीफ नहीं है आपको। बेड्स तैयार होंगे तो आप जिस दिन से आप स्टार्ट करना चाहते हैं मूसली लगाना, उस दिन से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बेड्स बनाने के बाद उसको फिर पड़े रहने देना है, फिर आपको 1 जून से, 2 जून से, 4 जून से, 5 जून से, जब से भी लगाना है आप लगा सकते हैं, ठीक है। पर हाँ, आपको जब बेड्स में मूसली लगाना है उससे पहले एक काम और करना है, जो आपके बेड्स तैयार बने हुए पड़े हैं ना वो सूख गए होंगे अच्छी तरह से, तो उसको क्या करना है कि लगाने के, समझो कि आपका प्लान बन रहा है कि नेक्स्ट वीक से आपको लगाना है, आपके बेड्स तो तैयार हैं, अब आपका प्लान बन रहा है कि हो सकता है कि जून में 5 तारीख या 10 तारीख से लगाना स्टार्ट करूँ या फिर हो सकता है 2 तारीख से स्टार्ट करूँ, तो जब भी आपका प्लान बन रहा हो, समझो आपको 4 दिन 5 दिन बाद लगाना है, 6 दिन, वो टाइमिंग देख के, मतलब वो दिन देख के लगाने से पहले आपको फिर एक बार जो बेड्स बना के तैयार करके रखे हैं ना आपने, उस पर स्प्रिंकलर से आपको पानी का फुब्बारा बारिश तरीके से दे देना है, बारिश करा दी ने, मतलब अच्छे से गीला कर देना है, मतलब बेड्स खराब नहीं होने चाहिए, मतलब बेड्स पे पानी अच्छे से गीले हो जाने चाहिए। उससे 2 फायदे होंगे, पहला फायदा तो अगर आप मूसली लगाते हैं, लगाने के बाद आपको तुरंत पानी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा जो सबसे बेस्ट फायदा है वो जब आप पानी देंगे और पानी देने के बाद समझो आपने आज पानी दिया और 3 से 4 दिन बाद लगा रहे हैं, 5 दिन बाद लगा रहे हैं, तो उसमें फिर से खरपतवार निकलना स्टार्ट होगा, और जो छोटा छोटा खरपतवार जो निकलेगा वो खरपतवार आपका फिर लगाने के टाइम पे जब गुड़ाई कुदाल से लगाएंगे या किसी चीज़ से लगाएंगे तो मिट्टी आगे पीछे ऊपर नीचे होगी, तो फिर वो जो खरपतवार बेड्स पे पानी देने के बाद जो निकला था दोबारा खरपतवार, वो फिर से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक तो पहले आपने खेत में पानी देने के टाइम पे खरपतवार को ख़त्म किया था, समझो अगर 20% भी ख़त्म किया, प्लस 20% फिर आपका बेड्स पे पानी देने के बाद जो लगाने के टाइम पे आपकी खरपतवार ख़त्म होगी, तो आपने 40% खरपतवार को तो ऐसे ही ख़त्म कर लिया। फिर आपका होगा क्या, फिर आप जब जो बारिश से खरपतवार होगी वो उसमें मात्रा कम होगी, फिर आपको लेबर कम लगेगी, आपको समय कम लगेगा, काफ़ी सारे वो होते हैं, और दोस्तों ये सब जानकारी आपने देखा होगा, कोई नहीं बताता है। तो ये है हमारी बेड्स बनाने की प्रक्रिया, और बेड्स बना के साथ साथ लगाने से पहले बेड्स में क्या क्या काम करने हैं। अब इसमें आप एक काम और कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप बेड्स बनाने के बाद वापस लगने के बाद भी अगर आप उसको हल्का सा पानी फिर से 1-2 दिन में या 3 दिन में हल्का सा पानी फिर से देते हैं, ज़्यादा नहीं हल्का सा, अगर आप बारिश का इंतज़ार ना करते हैं या जर्मिनेशन का इंतज़ार ना करते हैं, हल्का सा पानी और दे देते हैं ना, तो 5-6 दिन बाद गुड़ाई का जब समय आएगा तो उस टाइम पे आपको अच्छे से खरपतवार बाहर आ जाएगी, याद रखना है, पर ज़्यादा पानी देना नहीं तो मूसली सड़ जाती है, तो फिर आपकी और खरपतवार जब बाहर निकली गुड़ाई के टाइम पे, अच्छे से गुड़ाई के टाइम पे खरपतवार आपकी निकल जाएगी। तो दोस्तों आप लोग समझ रहे होंगे कि खेत तैयार करने के बाद बेड्स बनाने का है तरीका, वो भी एक, उसकी भी एक ट्रिक होती है, उसका एक तरीका होता है, जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से अगर आप बेड्स भी तैयार करते हैं और जो प्रक्रिया मैंने बताई है कि खरपतवार को कम कैसे करना है वो भी आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपको बेशक आप बोलेंगे कि हाँ मैंने जो बोला था वो सही बोला है, और मैं अपना बेड्स इसी तरीके से तैयार करता हूँ, इसीलिए मैं खरपतवार को काबू में रख पाता हूँ और खरपतवार से निजात पा लेता हूँ और उससे जीत जाता हूँ मैं। डे 2 की जानकारी यहीं पे समाप्त करते हैं, और आप समझ गए होंगे कि खेत तैयार करने, डे 1 में खेत तैयार करने के बारे में बताया था, डे 2 में बेड्स बनाने के बारे में बताया, और बेड्स बनाने का जो सही तरीका है वो क्या है वो आज की इसमें मैंने बताया है। आप लोग अगर इसी तरीके से मेरे को फॉलो करके अगर आप खेती करते हैं तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ आप लॉस में भी नहीं जाएंगे और आपको खरपतवार से भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। बस एक यही है कि आप लोग सपोर्ट कीजिए मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे हर किसान भाई की मदद हो सके और मुझे भी थोड़ा उत्साह मिलता है, जिससे मुझे आगे वीडियो बनाने का मन करता है।
ठीक है, आप लोग जितना ज्यादा देखते हैं उतना ज्यादा मुझे उत्साह मिलता है, मुझे लगता है कि हाँ मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से आप लोग को बैट्स तैयार करना है। आज की इस डे टू के एपिसोड में आपको बैट्स जो बनाना है, क्यारी जो बनाना है, आप समझ गए होंगे। आगे डे थ्री में हम बताएंगे आपको कि बैट्स तैयार होने के बाद फिर आगे प्रोसेस क्या है मूसली का कटिंग करने का। तो मूसली को कटिंग करने का जो तरीका है वो क्या है, सही तरीका किस तरीके से कटिंग करना चाहिए। हालांकि अभी मैं सिर्फ और सिर्फ आपको वॉइस के मतलब के जरिए दिखाऊंगा, लेकिन जब लगाने का जब समय आएगा ना तब आपको बाकायदा मैं कटिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से कटिंग करना है और किस तरीके से लगाना है। अभी सिर्फ और सिर्फ ये 15 दिन का मैं ओवरऑल आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डे वन में भी बताया था और डे टू में भी बता रहा हूँ मैं आगे, ठीक है। डे थ्री में ये उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राम राम सीताराम।